आज हम आपको पेश करते हैं एक समृद्ध और रंगीन साइड डिश, ओ ग्राटिन सब्जियां। सामग्री: एक बैंगन, दो तोरई, एक लाल शिमला मिर्च और एक पीली शिमला मिर्च, 150 ग्राम चेरी टमाटर, 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ परमेजान चीज, 100 ग्राम ब्रेड क्रम्स, अतिरिक्त शुद्ध जैतून का तेल, एक लौंग लहसुन, नमक और काली मिर्च, जड़ी बूटियां थाइम, रोजमेरी और ओरेगानो। सभी सब्जियों को ठंडे बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोकर किसी भी मिट्टी या अशुद्धियों को हटा दें। अब काटना शुरू करें। बैंगन और तोरई को लगभग आधा सेंटीमीटर मोटे स्लाइस में काटें। एक समान मोटाई बनाए रखने की कोशिश करें ताकि एक समान पकाने सुनिश्चित हो। शिमला मिर्च के डंठल, बीज और सफेद अंदरूनी हिस्से को हटा दें, फिर उन्हें चौड़ी स्ट्रिप्स में काटें। चेरी टमाटरों को आधा काटें ताकि उनकी गूदा बाहर आ सके और वे पकाने के दौरान अपने प्राकृतिक रस छोड़ सके। एक नॉनस्टिक पैन या ग्रिल लें और उसमें एक बूंद अतिरिक्त शुद्ध जैतून का तेल डालकर हल्का चिकना करें। आप रसोई के ब्रश या पेपर टॉवेल का इस्तेमाल करके तेल को सतह पर फैला सकते हैं। पैन में तेल लगाने के बाद इसे मध्यम उच्च आंच पर गर्म करें जब तक कि यह गर्म न हो जाए। बैंगन और तोरई के स्लाइस को एक परत में रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे ओवरलैप न हो। प्रत्येक साइड को लगभग 2-3 मिनट के लिए ग्रिल करें या जब तक कि वे सुनहरी ग्रिल मार्क्स प्राप्त न कर लें। सब्जियों को थोड़ा नरम होना चाहिए लेकिन पूरी तरह से पका नहीं होना चाहिए ताकि वे ओवन में पकना जारी रख सकें। यह ग्रिलिंग प्रक्रिया बैंगन और तोरई को एक अधिक तीव्र और हल्का धुआंदार स्वाद देती है जो अंतिम डिश को समृद्ध बनाएगी। शिमला मिर्च और टमाटरों को ग्रिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सीधे ओवन में अपने मीठे और रसदार स्वाद छोड़ देंगे। ग्रिलिंग के बाद बैंगन और तोरई को अलग रख दें और बेकिंग डिश में असेंबली के लिए तैयार हो जाएं। एक उपयुक्त आकार की बेकिंग डिश लें और उसके नीचे एक हल्का अतिरिक्त शुद्ध जैतून का तेल का परत लगाएं। ग्रिल्ड बैंगन और तोरई के स्लाइस को रखना शुरू करें, उन्हें शिमला मिर्च की स्ट्रिप्स और आधे चेरी टमाटरों के साथ वैकल्पिक करें। सभी सब्जियों को समान रूप से वितरित करने की कोशिश करें, प्रकार और रंग दोनों से एक समान परत बनाने के लिए। आप सब्जियों को थोड़ा ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा स्टैक करने से बचें। वैकल्पिक रूप से आप सब्जियों की कई परतें बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि विभिन्न प्रकार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अंतिम परिणाम स्वाद और सौंदर्य शास्त्र के मामले में संतुलित हो। एक और भी आमंत्रित प्रभाव के लिए आप बेकिंग डिश के किनारों से केंद्र की ओर जाते हुए सब्जियों को गोलाकार पैटर्न में सजा सकते हैं जो चमकीले रंगों को हाईलाइट करता है। जब व्यवस्था पूरी हो जाए तो आप स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब मिश्रण जोड़ सकते हैं जो सब्जियों को उनके विशिष्ट कुरकुरा, ओ ग्राटिन और समृद्ध सुगंधित स्वाद देगा। एक मध्यम आकार का कटोरा लें और उसमें ब्रेड क्रम्स और कद्दूकस किया हुआ परमेजान चीज डालें, फिर लहसुन डालें जिसे पहले छीलकर बारीक काटा गया हो। आप इस मिश्रण को जड़ी बूटियों से समृद्ध कर सकते हैं जो बारीक कटे हुए हों। थाइम, रोजमेरी और ओरिगैनो इस रेसिपी के लिए सिफारिश की जाती है, लेकिन आप अपनी पसंद की अन्य जड़ी बूटियों का प्रयोग भी कर सकते हैं जैसे कि पार्सले या तुलसी। जड़ी बूटियों को कटोरे में डालें और सब कुछ अच्छी तरह से एक कांटा या स्पैटुला से मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिश्रित हो जाए। मिश्रण में एक बूंद अतिरिक्त शुद्ध जैतून का तेल डालें। तेल सामग्री को बांधने और हल्की नमी वाली बनावट देने में मदद करता है जो ब्रेड क्रम्ब मिश्रण को सब्जियों पर बेहतर तरीके से चिपकने की अनुमति देगा। सब कुछ तब तक मिलाएं जब तक आपको एक समान और हल्का दानेदार मिश्रण न मिल जाए। अगर मिश्रण अधिक सूखा लगे तो आप थोड़ा और तेल डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक न डालें ताकि मिश्रण बहुत भारी न हो जाए। अब मिश्रण को बेकिंग डिश में व्यवस्थित सब्जियों पर समान रूप से वितरित करें। समान कवरेज प्राप्त करने के लिए आप इसे अपने हाथों या चम्मच से फैला सकते हैं। पहले से गर्म किए हुए ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करें और लगभग 20-25 मिनट तक पकाएं या जब तक सब्जियों की सतह सुनहरी और कुरकुरी न हो जाए। ओ ग्राटिन सब्जियों को ओवन से निकालें और उन्हें गर्म या कमरे के तापमान पर परोसें। नई स्वादिष्ट रेसिपी के अपडेट के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर जाएं। ओ ग्राटिन सब्जियां भूमध्य सागरीय व्यंजन का एक क्लासिक है जो सब्जियों के प्राकृतिक स्वाद को बढ़ाती है। वे न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि स्वस्थ भी हैं।